में सबसे पहले बताने वाले कि आखिर क्यों भारत ने कनाडा पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है। कनाडा के राजदूतों को निकालने और अपने राजदूत वापस बुलाने तक ये बात कैसे पहुंची, आज आपको बताने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, अब ये किस मुकाम तक पहुंचेगा इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। भारत और कनाडा के बीच तल्खी की वजह है वो आरोप जो भारतीय राजनयिक पर लगाए गए। कनाडा ने भारत को डिप्लोमेटिक मैसेज दिया कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक कनाडा में एक जांच से संबंधित मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी एक तरह से आसान शब्दों में कहें तो आरोपी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के इन आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। कनाडा के बेतुके आरोपों के चलते अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुला लिया भारत ने, और इसके साथ ही अपने यहाँ से यानी भारत से 6 कनाडियाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। आज इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, बताएंगे कि इस पूरे मामले का चीन अमेरिका कनेक्शन क्या है और भारत ने क्यों कहा कि ट्रूडो आतंकियों को पाल पोस रहे हैं। पूरी डिटेल आज आपको देने वाले हैं प्रहार में। दूसरी खबर यूपी में योगी आदित्यनाथ के बड़े एक्शन की है। बहराइच में जिस तरीके से उपद्रव की तस्वीर सामने आई उससे सवाल खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश को दंगे में झोंकने की साजिश थी, लेकिन योगी सरकार ने एक बार फिर से बता दिया कि यहां दंगा करोगे तो हिसाब तुरंत होगा। ये नया उत्तर प्रदेश है, यहाँ जीरो टॉलरेंस नीति है अपराध के खिलाफ और इसी पर उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है और यही वजह है कि तुरंत एक्शन लेती है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की उस कूटनीतिक स्ट्राइक की जिसके जरिए भारत ने एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि अगर आप भारत से पंगा लेने की सोच रहे तो सोच कर ही आइएगा, क्योंकि भारत अब जवाब देता है। Chose to come out today and disrupt the pattern of Indian diplomats ही खालिस्तानी आतंकवाद की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन को टारगेट किया जाता है, कभी वहां पर प्रदर्शन चल रहे होते हैं, और ये जब सब कुछ हो रहा होता है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा होता है, तब तो जस्टिन ट्रूडो चुपचाप से बैठे रहते हैं और तब उनकी बोलती नहीं खुलती। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो इन्वॉल्व है, एक कैनेडियाई नागरिक की मौत के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें वो नागरिक कौन है, निज्जर का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि खुलकर उनकी तरफ से नहीं कहा गया लेकिन इशारा उसी ओर है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि निज्जर एक आतंकी है जो कि भारत के जो टॉप 40 आतंकी है उनकी लिस्ट में है, 10 लाख का इनामी था, मर गया है लेकिन इनामी था, और भारत का स्टैंड हमेशा आतंकी के तौर पर ही था निज्जर को। लेकिन ट्रूडो को लगता है कि एक खालिस्तानी आतंकी मर गया तो उसके पीछे भारत है, खुलकर ये बोल भी रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ट्रूडो की बहुत सारी मजबूरियां हैं। आज वही आपको हम बताने जा रहे हैं क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जा रहा है। भारत और कनाडा में क्यों इस तरह का संग्राम छिड़ा हुआ है, क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि राजनयिक को वापस बुलाना पड़ा। चलिए जल्दी से आपको हम जानकारी दे देते हैं, आपके लिए वो जानकारी बहुत अहम है क्योंकि हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अब जवाब देता है। लेकिन कनाडा ने ऐसा क्या किया कि जवाब देना पड़ा, बताना पड़ा कि भाई देखो ये भारत है, इसके साथ सोच समझ के चलो। ट्रूडो सरकार ने आपको बताया रविवार को एक लेटर भेजा था, जी हाँ, भारतीय हाई कमिश्नर पर गंभीर आरोप इस लेटर के जरिए लगाए गए कैनेडियाई नागरिक की हत्या को लेकर। निज्जर जिसका जिक्र कर रही थी मैं, आतंकी निज्जर उसका यहाँ पर जिक्र है, कैनेडियाई नागरिक के तौर पर नाम नहीं बोला उन्होंने। हत्या में भारतीय डिप्लोमेट्स को वो संदिग्ध बता रहे हैं, सोचिए राजनयिकों को, उच्चायुक्त को संदिग्ध बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। इस पर जब भारत ने जानकारी मांगी कि चलिए आप जानकारी दीजिए, ठीक है आप आरोप लगा रहे हैं, आप जल्दी से जानकारी दीजिए हम जवाब देंगे, तो उस जानकारी को लेकर कुछ नहीं बोला कनाडा ने, कोई जानकारी नहीं दी, और उसके बाद से कड़वाहट बढ़ती गई और इस कदर बढ़ गई कि भारत ने अब एक्शन ले लिया, क्योंकि भारत सोचता नहीं है, भारत के पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत ने ऐसा एक्शन मोड में कदम क्यों उठाया, क्योंकि भारत तो डिप्लोमेसी से चलने वाला देश है, शांति से चलता है, अपनी बात रखता है, लेकिन भारत ये भी समझता है कि जब ऐसे मौके आए जब दूसरे आंख दिखा रहे हो तो उनको जवाब देना भी जरूरी समझता है भारत, और इसीलिए ये जवाब दिया गया है। कनाडा के लेटर के बाद ये सख्त रुख भारत ने अख्तियार किया। आपको बताएं सख्त रुख के साथ भारत ने कनाडियाई राजदूत को पहले तलब किया, बुलाया कि आइए और बताइए ये क्या है।
कनाडा ने जो आरोप लगाए वो आधारहीन है। भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कनाडा में हाई कमिश्नर संजय वर्मा को वापस बुला लिया भारत ने। भारत ने क्लियर कर दिया कि हमें कुछ रखना ही नहीं, आपसे कोई रिलेशन नहीं रखने। ऐसा तब होता है अमूमन, ऐसे राजदूतों को, उच्चायुक्तों को तब बुलाया जाता है जब युद्ध का माहौल होता है। लेकिन यहां पर भारत ने यह फैसला लिया, कड़ा फैसला लिया। कनाडियाई कार्यकारी हाई कमिश्नर को भी निष्कासित कर दिया गया। जी हाँ, 6 कनाडियाई डिप्लोमेट्स को देश से निष्कासित किया गया। उन्हें समय दिया गया है 19 अक्टूबर तक का कि रात 12 बजे तक वो भारत छोड़ के अपने देश चले जाएं, क्योंकि भारत ये सब अब बाय आउट नहीं करने वाला। अगर इस तरह की ग्लोबल इमेज जो भारत की है मजबूत लीडर के तौर पर, उसको लेकर अगर आप इस तरह की हल्की बातें करेंगे तो इस पर भारत बिल्कुल क्लियर है। और यही वजह है कि भारत तुरंत एक्शन लेता दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत ने ये फैसला क्यों लिया? हमने आपको बताया लेटर आया था, लेकिन क्यों फैसला लिया, चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी रख देते हैं। कनाडा में भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। जी हाँ, आपको बताया खतरे में राजनयिकों की सुरक्षा आ गई थी, क्योंकि जब ट्रूडो ही ऐसा बोल रहे हैं तो कोई भी कुछ कर लेगा। ट्रूडो कह देंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ लोगों ने ऐसा एक्शन कर लिया है, उन पर थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हम तो सुरक्षा के साथ मजाक नहीं कर सकते ना। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनयिकों और जो उच्चायुक्त हैं उन्हें वापस बुलाया गया, क्योंकि उग्रवाद और हिंसा को कनाडा का खुला समर्थन है। जी हाँ, भारत को कनाडाई सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है, और ऐसे में कठोर कदम उठा सकता है भारत। और यही वजह है कि उठाया भी है। ये अपने आप में क्लियर मैसेज है। और आपको ये भी बताएं कि ये नौबत आएगी। नौबत दरअसल इसलिए आ गई क्योंकि ट्रूडो बढ़कर बहुत सी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसको भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उच्चायुक्त पर प्रश्न या ये कहना कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है यानी आरोपी है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? सुनिए क्या कहा है ट्रूडो ने, किस तरह के आरोप लगाए, हल्के आरोप, पहले सुनवा देते हैं। We have taken such significant measures, why the RCMP chose to come out today and disrupt the pattern of Indian diplomats collecting through questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ही नहीं, उनकी जो विदेश मंत्री हैं वो भी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही। क्या उन्होंने कहा आपको बता देते हैं। विदेश मंत्री का नाम मेलानी जोली है और कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस जांच का समर्थन करे, हम भारत पर सहयोग के लिए दबाव डालना जारी रखेंगे, ये कह रही हैं वो। ये कनाडा की सुरक्षा और कनाडा के बारे में है, ये जरूरी है कि भारत को संदेश मिले, ये भारत को संदेश देने की बात कर रही है। लेकिन जैसे ही भारत को समझ में आया कि ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, इनकी बातों का तो ऐसे भरोसा किया नहीं जा सकता, तो एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत कड़ा रुख अख्तियार किया और क्या कहा, चलिए बताते हैं जल्दी से दीजिए। ट्रूडो की भारत विरोधी मानसिकता से दुनिया वाकिफ है, बिल्कुल क्लियर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। जयशंकर ने कहा कि ट्रूडो की कैबिनेट में चरमपंथी हैं, अलगाववादी हैं, इस तरह की तो कैबिनेट है। 2020 में ट्रूडो ने भारत के अंदरूनी मामले में दखल दी। जी हाँ, ये क्लियर किया, खालिस्तान वाला जो मामला था उसको लेकर यहाँ पे जयशंकर ने बिल्कुल इंडिकेट कर दिया। अलगाववादी के समर्थन पर ट्रिकी है ट्रूडो की सरकार, क्योंकि समर्थन की सरकार से चल रहे हैं, उनके पास क्लियर मैंडेट नहीं था, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, जो उनके सहयोगी है ना वो इस तरह का फायदा चाहते हैं। ट्रूडो को मजबूरी में ये करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार तो उन्हें चलानी है। राजनीतिक फायदे के लिए आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं ट्रूडो, ये भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। भारत ने कहा कि भारत के भगोड़े आतंकियों को ट्रूडो सरकार ने शरण दी है। कनाडाई सांसद की विदेश समिति में ट्रूडो की पेशी होनी चाहिए, ये कहा है भारत ने। पेशी से पहले ट्रूडो ने भारत पर झूठे आरोप लगाए थे और भारत विरोधी एजेंडे से खालिस्तानी समर्थन बढ़ाना चाहते हैं ट्रूडो। भारत ने ये बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है।